इतिहासिक श्री मुकतसर साहब के इतिहासिक गुरद्वारा टुट्टी गंढी साहब की झील चो एक नाभ्याई औरत की लाश मिलने के हड़कंप मच गया है। दरअसल अज मत्था टेकने आए श्रद्धालुओं ने झील की परिक्रमा दौरान बच्ची की लाश देखी। मामले संबंधी जानकारी दिंदिया झील दरबार साहब के मैनेजर ऋषभ सिंह ने दसिया कि पुलिस ने लाश को झील चो कढ के पोस्टमार्टम लिए सिविल हस्पताल भेज दिता है। लड़की की उम्र करीब 23 साल जापती है। मृतकों ने हत्थों में चूड़ी पाई हुई है जिस कारण लगता है कि लड़की का कुछ दिन पहले ही विवाह होया सी। घटना की सूचना मिलने उत्ते पुलिस ने मौके पर पहुँच के जांच शुरू कर दी है। दसनयोग है कि लड़की ने 2 महीने पहले श्री मुकतसर साहब के गांधी नगर से शादी की थी। सूत्रों के हवाले तो पता चल कि यह लड़की पिंड गैरी बतौर सरकारी अध्यापकों वजों अपनी सेवावान निभा रही है। इस मामले की पुलिस वालों जांच की जा रही है तो पुलिस ने शुरुआती दोष को स्पष्ट करने तो इनकार करता है तो बाकी सारी घटना का पता जानकारी जांच तो बाद ही पता चल सकेगा। सर गुरद्वारा साहब चो एक डेड बॉडी लभी है मुटियार दी, की जानकारी है तुहाडे कोल इस संबंधी? हजे डेड बॉडी जिहड़ी हैगी आ गुरद्वारा साहब दे विचों सरोवर दे विचों बाहर कढ़वा के मर्ची दे विच रखवाई गई है। जिहड़ी हैगी आ शनाख्त जिहदी चल रही है, शनाख्त तों बाद जिहड़ी हैगी जो वारस जिहड़े हैगे आ स्टेटमेंट लिखवाउणगे, उस हिसाब नाल कारवाई कीती जाऊगी। वारस वगैरह पहुंच चुके है जी? हजे प्रोपर ऑथेंटिकेशन नहीं हुई है इस बारे, बट आ रहे हैं एक दो शख्स शनाख्त कराने। मृतका का नाम सूत्रों तो पता लग रहा भी अध्यापका दसी जा रही है, हजे कोई श्योर नहीं है इस बारे कुछ भी। मुकतसर साहब कितने रहने रहने वाले जी? हजे इन आइडेंटिफिकेशन हुई नहीं प्रॉपर, 2-3 फैमिलीज आ रही हैं अमृतसर जिन्हें हजे तक पक्का नहीं पता, इस करके जो है अभी कुछ कह नहीं सकते। सर लड़की के परिवार वालों जेकर कोई शक इतराज प्रगटाए जाएंगे तो पुलिस का नजरिया किहो जिहा होगा? तो जो स्टेटमेंट लिखाओगे इस पर लॉ कार्रवाई करेंगे।